बहुत ही ज़्यादा बैड कमेंट्स आए थे, बट मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हूँ, मैं भारती दी से हमेशा ही इंस्पायर होती रही हूँ। बहुत ही अच्छी होगी। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर, तो मेक श्योर वीडियो को स्किप करके मत देखना। सो टाइटल प्लस थंबनेल देख के आप लोगों को तो समझ आ ही गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है। सो मैं बता देती हूँ गाइस, आज की वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ रिक्रिएशन ऑफ पिक्चर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिक्रिएट करने वाली हूँ पिक्स को, बट मैं किसकी रिक्रिएट करने वाली हूँ। So guys, in today's video, I am going to recreate pictures of inspiration girl Bharti. And guys, मैं उनको introduce नहीं करा रही हूँ, क्योंकि हम उन्हें introduce कराते हैं जिन्हें हम लोग जानते नहीं, और inspiration girl Bharti को भला कौन नहीं जानता। और आप में से बहुत सारे लोग तो inspiration girl Bharti के यहाँ पे fan भी होंगे, और उन fan में से एक मैं भी हूँ। मैं भी उनकी बहुत ही बड़ी fan हूँ, और मैं हमेशा ही उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो सपोर्ट होता है देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक यूट्यूबर जो होता है ना, वो कितनी भी ऊँचाई पर क्यों ना चला जाए, बट विदाउट ऑडियंस सपोर्ट वो कुछ नहीं होता है। एंड गाइस, कितना भी चाहे उसके 1 मिलियन फैमिली क्यों ना हो, बट अगर उसे अपना जो ऑडियंस है उसे सपोर्ट देना बंद कर दे, तो वो फिर आगे नहीं जा सकता है। सो मैं यही मानती हूँ कि हम चाहे जितने बड़े क्यों ना यूट्यूबर्स हों, ऑडियंस का सपोर्ट भी उतना ही ज़्यादा बनता है यूट्यूबर की तरफ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें आप लोग देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें सपोर्ट करते रहते हैं, मैं भी सपोर्ट करती रहती हूँ हमेशा। मैं भी उन्हें अच्छे अच्छे कॉमेंट से मोटिवेट करने की कोशिश करती रहती हूँ। सो मैं आप लोगों को कुछ अपनी जो फीलिंग्स है वो बता देती हूँ पहले इंस्पिरेशन गर्ल भारती की। सो आप लोग, अब मैं उन्हें इंस्पिरेशन गर्ल भारती नहीं बोलूँगी, अब मैं सिर्फ भारती बोलूँगी, बिकॉज आप लोगों को तो पता चल ही गया। सो मैं भारती दी की बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ, और काश काश मैं उनसे मिल पाती, बट इज़ इट नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर मिलती, लाइक अभी तो बिल्कुल भी इस टाइम पे मिलना पॉसिबल नहीं है, वरना होता तो मैं ज़रूर मिलने जाती। एंड मैंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स के थ्रू बताया कि आपकी मैं जो पिक्चर्स हैं उन्हें रिक्रिएट करना चाहती हूँ, तो क्या दी आप मुझे परमिशन देते हो अपने पिक्स को रिक्रिएट करने की। क्योंकि आप कभी भी यूट्यूबर्स के डिस्क्रिप्शन में जब भी चेक करोगे, तो वो लोग हमेशा डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ डिस्क्लेमर मेंशन ज़रूर करते हैं, विच इज़ कि आप मेरे विदाउट परमिशन के आप लोग इस वीडियो की ना ही कोई क्लिप, ना ही कोई इस थंबनेल और ना ही पिक्चर यूज़ कर सकते हो। तो मैंने उन्हें बहुत ही ज़्यादा, कम से कम मैंने उन्हें एक हफ्ते लगातार मैसेज करा सिर्फ इस टॉपिक पे कि मैं आपकी दी पिक्चर्स रिक्रिएट करना चाहती हूँ। तो आप लोगों को पता है कि अभी उनकी प्रैक्टिकल्स चल ही रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा वो भी बिजी थी, एंड मैं भी अभी जस्ट 10th क्लास में आई हूँ और मेरे भी एग्ज़ाम चल ही रहे हैं इस टाइम पे, मैं भी बहुत बिजी थी। सो फाइनली उन्होंने अभी मुझे रिप्लाई करा रिसेंटली कि मैं आप लोगों को ना जो मैं उनका रिप्लाई है उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी। उनका रिप्लाई आया था कि यस डियर, ये मेरा प्लेजर है, मतलब उन्होंने ये मना नहीं करा एकदम से कि नहीं आप मेरी पिक्चर्स को रिक्रिएट मत करो, मेरी पिक्चर्स मत यूज़ करो, ऐसा कुछ भी उन्होंने जो कमेंट था उसका रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं दिया। उन्होंने बहुत ही प्यार से कमेंट का रिप्लाई दिया कि येस डियर, आप मेरी पिक्चर्स को रिक्रिएट कर सकते हो, और ये मेरा प्लेजर है, मैं आपकी पिक्स देखने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो मैंने उन्हें बताया था कि ये वीडियो मैं जल्दी से अपलोड कर दूँगी, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने जो भारती दी की जो पिक्स है वो मैंने कहाँ से लिए। तो सबसे पहले मैंने उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी आईडी से सर्च करा, तो पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, आईडी नहीं मिल रही थी। तो जब मुझे आईडी मिली उनकी, तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी, एक्चुअली मैं ना इंस्टाग्राम यूज़ भी नहीं करती, तो मुझे इसलिए लॉगिन वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई। बट जब मैं, जैसे मेरा लॉगिन हुआ, तो मैंने उनके सबसे पहले आईडी ढूंढी, और मैंने अपनी मम्मा के फ़ोन से सर्च करा, बिकॉज आप लोगों को पता है मैं इंस्टा यूज़ नहीं करती हूँ। तो उनके फ़ोन से मैंने सर्च करा, तो मुझे बहुत ही मुश्किल से दी की आईडी मिलती है। एंड मैं उनकी जब आईडी पे जाती हूँ, तो सबसे पहले तो फॉलो करना था, फॉलो के बाद मैसेज करना था, बट जब तक दूसरा आपको अपने उसमें फ्रेंड लिस्ट में एक्सेप्ट नहीं करता, आप तब तक मैसेज नहीं कर सकते हो। सो मैंने भी मैसेज तब तक नहीं कर पाई, सो मैं कमेंट्स के थ्रू ही करती थी उन्हें। तो जब मैंने उनकी इंस्टाग्राम आईडी खोली, तो बहुत ही कम ऐसी पिक्स थी जिन्हें मैं रिक्रिएट कर पाती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पिक्स उन्होंने अपने इंस्टा पे अपलोड करी थी वो सारी की सारी मतलब थंबनेल से रिलेटेड थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, बस एक दो पिक थी जो उन्होंने मतलब कहीं गई हुई थी, बस उसी की सारी पिक्स उन्होंने अपलोड कर रखी थी, बाकी सारी जो पिक्स थी वो थंबनेल से रिलेटेड थी। तो मैंने सोचा कि जो उनकी थंबनेल लगी, उन्होंने उनकी थंबनेल लूँ और उसी को एडिट करके उसी पिक्स को मैं रिक्रिएट करूँ।
सो यही मैंने आइडिया लिया और मैंने इसी पिक्स को रिक्रिएट भी करी है। एंड गाइस ये मेरी फीलिंग्स थी जो मुझे आप लोगों के साथ एक्सप्रेस करना था। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि मतलब मैंने कहाँ से ली हैं पिक्स। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है, मतलब मैं उन्हीं से इंस्पायर होके अपना चैनल भी ओपन करी थी, बिकॉज आई एम ऑल्सो विलेज गर्ल। मुझे भी बहुत ज़्यादा पहले कमेंट्स आते थे कि लाइक विलेज की गर्ल हो, ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगी, एक दो वीडियोस अपलोड करोगी उसे देखेंगे फिर उसके बाद तुम्हारी वीडियोस कोई भी नहीं देगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा बैड कमेंट्स मिले हैं, बट मैं कभी भी डीमोटिवेट नहीं हूँ। हमेशा मेरी जो मम्मी है वो मुझे मोटिवेट करती रही हैं, और आई थिंक कि भारती दी को भी उनकी मम्मी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला होगा अकॉर्डिंग टू मी। एंड या अगर आप लोग सोच रहे हो कि पूरी वीडियो में उन्होंने सिर्फ बातें करी है, तो गाइस ये बातें जो हैं ये मेरी फीलिंग्स हैं, मैंने एक्सप्रेस करा, और जो अंडरस्टैंड करने वाले पीपल होंगे वो अंडरस्टैंड भी करेंगे, बट जिनको बोरिंग लगा होगा व्हाट कैन आई डू फॉर, बट मैंने जितना हो सका मेरी फीलिंग्स को मैंने भारती दी के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है ना। आई होप भारती दी आप लोग आप ये वीडियो देख रही होगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि अगर मेरी इंस्पिरेशन जो है वही मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हुई, सो मैं आपको पिक्स रिक्रिएट करने जा रही हूँ। सो गाइस अब मैं आप लोगों को अपनी जो रिक्रिएशन पिक्स है वो दिखाती हूँ। बहुत ही मेहनत से रिक्रिएट करी क्योंकि उनकी पिक्स मिल नहीं रही थी तो मैंने थंबनेल से ही लिया है। सो मैं आप लोगों को जो मैं फर्स्ट पिक दिखाने वाली हूँ, उन्होंने उस पिक में क्या कर रखा है कि उन्होंने अपने जो पोज है कुछ ऐसे दे रखा है। सो मैंने भी ऐसा पोज देने की कोशिश करी है, और यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने भी सेम टू सेम डिटो करने की कोशिश करी, बट यस गाइस आप लोग क्लोथ्स को मेंशन मत करना, बिकॉज क्लोथ्स मेरे पास सेम टू सेम नहीं थे। जैसे दी के पास वाइट टॉप था, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो क्लोथ्स को ज़्यादा आप लोग मेंशन मत करना कि इस टाइप का नहीं है, इस टाइप का नहीं है। सो चलते हैं अपनी फर्स्ट रिक्रिएशन पिक्स को देखने। सो गाइस अब जो मेरी नेक्स्ट पिक है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उन्होंने कुछ ऐसा पोज दे रखा, लाइक मैं आप लोग देख सकते हो पिक में उन्होंने ऐसा पोज दे रखा है, एंड मैंने भी ऐसा पोज देने की सेम टू सेम कोशिश करी। एंड इसमें गाइस आप लोग देख सकते हो जो दी है ना, उन्होंने ब्लू कलर के ऊपर से डाल रखी है, और अंदर है जो उनका टॉप है वो पिंक कलर का। आई थिंक ये कोई थोड़ा डिजाइनर टाइप में था मुझे लग रहा था, तो मैंने भी ऐसे रिक्रिएट करने की कोशिश करी। मेरे पास वैसा सेम टू सेम नहीं था तो मैंने पर्पल ड्रेस पहन रखी, मतलब पर्पल शर्ट या टॉप कुछ भी बोलो वो पहना है। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्रिएशन पिक्स को देखने। So guys, अब जो हमारी थर्ड पिक है वो है हमारी मैगी। आई मीन मैगी नहीं है, भारतीय देश में ना मैगी खा रही है। आप लोग देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे पोज देना है, ऐसा कुछ पोज कर रखा है, बहुत ही क्यूट लग रही है ना इस पोज में, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे तो, बड़ी क्यूटनेस भरी लग रही है इस फोटो में उनकी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भारती दी है उन्होंने यहाँ पे एक पिंक कलर का टॉप पहना है। एंड गाइस लकीली मेरे पास पिंक कलर का टॉप जो था अवेलेबल था, और ये मौका मैं नहीं छोड़ना चाहती थी, तो मैंने पिंक कलर का टॉप लिया, उसको फोटो के लिए तैयार करा। उस टाइप की मतलब बैकग्राउंड में नहीं कर पाई, एकदम सेम टू सेम बैकग्राउंड नहीं कर पाई, तो बैकग्राउंड मेरा अलग है, बट इसमें जो मेरी ड्रेस थी वो सेम टू सेम पिंक थी। मैं बहुत ही खुश हुई कि चलो एक ड्रेस तो हमारी मैच हो गई जो पिंक थी। तो आप लोग देख लीजिए मेरी रिक्रिएशन पिक। So guys, अब जो हमारी है नेक्स्ट रिक्रिएशन पिक वो है डोरा डोरा डोरा। आप लोग हंसी मत, मतलब डोरेमोन से रिलेटेड है। आप लोगों को तो पता ही होगा डोरेमोन को क्या पसंद है, ऑफ कोर्स डोरेमोन को पसंद है डोरा के। तो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि इन्होंने इस पिक में अपने हाथ में डोरा केक लिया। एंड अगर आप लोगों ने उनकी वीडियो देखी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो डोरा केक थे उन्होंने अपने घर पे ही बनाए थे, और बहुत ही मेहनत से बनाए थे। लगे आपको तो पता ही होगा कि ऐसी चीज़ें बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो बहुत ही मेहनत से बनाई थी उन्होंने, और मैंने उनकी वीडियो देखी थी, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी वो वाली। मैंने भी वैसी की वैसी मतलब पिक रिक्रिएट करने की कोशिश करी। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे एक हाथ में अपने डोरा केक ले रखा, बट मेरे पास डोरा केक नहीं था, तो मैंने लॉटरी चौकी पाई लिया सेम टू सेम पिक लाने के लिए। एंड सेम टू सेम वैसा मैंने भी पोज देने की कोशिश करी है। तो चलिए हमारी रिक्रिएशन पिक देखते हैं। तो गाइस जो हमारी अब नेक्स्ट पिक है वो है कि उन्होंने अपनी एक सिस्टर के साथ पिक ले रखी है, और उस पिक में उन्होंने एक ना स्नैपचैट का फिल्टर यूज़ करा है। आप लोग देख सकते हो ये स्नैपचैट का फिल्टर है। एंड भारती दी तो बहुत ही सिंपल लग रही है, बट जो उनके सिस्टर है वो बड़ी चुलबुली लग रही है मुझे, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आरती और मेरी सिस्टर दीपांजलि हैं दोनों बहुत ही चुलबुली हैं। मैं क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में देखी
आरती बहुत ही ज़्यादा चुलबुली है, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्यूट क्यूट सी हरकतें करती रहती है, शरारतें करती रहती है, बट वहीं पे भारती भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा एकदम इनोसेंट टाइप में बहुत ही मतलब एकदम सिंपल रहती है हमेशा, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाती रहती है, बहुत ही अच्छी बात है। तो बस मैंने यहाँ पे लिया अपनी बहन को, उसको उठाया अपने पास खड़ा करा और सेम टू सेम पिक रिक्रिएशन की हमने प्रोसेस शुरू कर दी है। तो अब चलते हैं हमारी रिक्रिएशन पिक्स देखते हैं। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट पिक थी, ये हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट पिक होगी, बिकॉज मैंने टोटल 6 या ओके मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने टोटल ली थी, टोटल 6 पिक ली थी मैंने, 6 लास्ट पिक है, मतलब ये हमारी लास्ट पिक है। एंड इसमें भारती दी अकेली है, मतलब सिस्टर नहीं है इनकी, तो ये भी स्नैपचैट का। एंड गाइस आप लोग देखोगे इंस्टा पे ये पिक इन्होंने इंस्टा पे डाली थी, तो ये पिक मैंने इंस्टा से ली और इसे कॉपी करने की कोशिश करी, और सेम टू सेम मैंने भी ऐसा पोज दे रखा है, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इस पिक को रिक्रिएट में करने में। तो अब चलते हैं हमारी रिक्रिएट पिक देखते हैं। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये लास्ट पिक, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। सो गाइस आप लोगों को तो पता ही है भारती दी कितनी अच्छी, मतलब मैं तो उनकी फ़ैन हूँ, बहुत ही बड़ी वाली फ़ैन हूँ। एंड आई होप भारती दी मेरी ये वीडियो देखेंगी, अगर देखेंगी तो प्लीज़ भारती दी आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, और मतलब मैं आपसे मिल नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने अपनी जो फीलिंग्स थी इस वीडियो के थ्रू और अपनी जो मोटिवेशन थी जो आपसे मैं इंस्पायर होकर चैनल ओपन करी, चैनल को चलाया, तो इसलिए मैंने आपकी फ़ोटो भी रिक्रिएट करी। एंड सिंपली मैं भी विलेज गर्ल ही हूँ बट स्टडी कर रही हूँ यहाँ पे। एंड आई होप दी आप मेरी ये वीडियो देखोगी, और देखोगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, बहुत ही मेहनत से रिक्रिएट करिए। सो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हिट लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस आज की वीडियो मैं रखती हूँ यहीं तक, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।